बड़े बाबा ने छोटे बाबा को समझाया कि मुझे तो पता नहीं यहाँ आते ही साथ हमारा मन फिर कहीं जाने का हुआ ही नहीं। तो आपको ये बात बताएं, जब आचर से रुआ बुंदेलखंड में आए थे यहाँ पर, तो कुंडलपुर पहुंचे, कुंडलपुर तक पहुंचते लोगों को पता नहीं था पहले कि कोई महाराज यहाँ है। तो जब आचर सिंह की उम्र उस समय मात्र 26-27 साल की उम्र थी, है ना, उस समय सन 76 में आचार्य सिंह के जब यहाँ आए तो 27-28 साल की उम्र थी उस समय यहाँ। और जब आए तो लोग उस समय तो लोगों ने क्या देखा था कि जो वृद्ध हो, पहले जवान मुनि महाराज देखने मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। तो लोगों को एक सबसे बड़ा आकर्षण है, एक महाराज जी है दिन भर सिर्फ नीचे पहाड़ की नीचे सिर्फ आहार को आते हैं, बाकी दिन भर बड़े बाबा के यहाँ, कहीं झांसी वाले मंदिर के यहाँ आचर से, कहीं ऊपर वाले इधर छेवरिया वाले मंदिरों के यहाँ लोग ढूंढते थे कहाँ बैठे होंगे, भैया देख लो जाके। कमेटी वाले तो कह देते थे भैया देखने होने से तो सुबह मिल जाएंगे। और आचर से तो बिल्कुल उस समय जो चर्या थी कि वास्तविक रूप से बहुत दिन अभी कह रहे थे कि बेद अभी चर्चा, जब कुंडलपुर में भी बैठे सब महाराज और यहाँ, तो वो एक दिन ऐसी चर्चा निकली तो वो कहते वास्तविक रूप से बेद जो जब बिल्कुल हमसे कोई नहीं जानता तो राम भी कोई खो नहीं जानते थे, ना तो भीड़ थी ना कुछ था, जहाँ चाहे अपने कमंडल उठाओ और कुछ नहीं, यहाँ से जाता था आहार करके अच्छा कमंडल भरा और कोई अगर चल सका तो ठीक है, नहीं तो उससे कहती थी कि तुम जाओ हम चले जाएंगे। कमंडल जाता था गेट तक ले जाते थे वो बड़े बाबा के वहां, और उसके बाद फिर उनसे कहती थी तुमसे क्षमता नहीं, तुम तो जाओ भोजन पानी करो और हम अपने ऊपर। अच्छे रहते थे, बढ़िया समय सार पढ़ते थे, उसका प्रत्यानुवाद किया, निजानुभव सता भावना सता बिल्कुल रमे रहता था, कुछ कोई विकल्प नहीं। ये दिन तो उस समय लगता था कि वास्तविक रूप से वो दिन ऐसी निर्विकल्प, जहां चाहे जब चाहे जाकर के बैठ जाता, कमंडल उठाया आज चट्टान पे अच्छे बैठे ध्यान कर रहे हैं। उस समय लोगों में चर्चा हो कि इतने छोटे से महाराज हैं पहली बार देखने को मिले, धीरे 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 लोगों की जड़ने लगे, लोग आने जाने लगे। यहाँ पर पंडित जी पन्नालाल जी सुनाते थे, जीवालाल जी वगैरह, जो लोगों ने सागर में बताया हम और देखे तो हम तो कहते उनसे ही समझते हैं, ऐसा होते इतने छोटे महाराज होते, कम महाराज छोटे महाराज थोड़े होते, कैसे बन गए हैं लोग जीतते से महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, छानबीन भी करते थे। जब उनकी चर्या देखी, देख करके अपने आप बड़े बाबा ने छोटे बाबा को समझाया कि मुझे तो पता नहीं यहाँ आते ही साथ हमारा मन फिर कहीं जाने का हुआ ही नहीं। पहला चतुर्मास सीधा करीब करीब 6 महीने तक यहीं पर रहे, और उसके बाद फिर यहाँ से आसपास मटास मटा है, पटेरा है, गड़ा कोटा है, ये छोटे छोटे जगह पर यही विहार करते। फिर दूसरा चतुर्मास वही बड़े बाबा के पास, यानी आचर सिंह की प्रवृत्ति हमेशा एक रही है कि जितना बन सके जन समूह से दूर रह करके, जितने जितने भी जन समूह से दूर रहे, जन समूह उतना उनके पास खोर आया। वो दूर रहना चाहते हैं पर जन समूह उनके पास, और आज एक है कि जो जन समूह की ओर बीच में भागना चाहते हैं तो देख लेते, समझ जाते लोग, तो भी जन समूह इस वाले समझ जाते, भी भागने लगते। वही बात है, कसायों से परे हुए तब की ओर प्रवृत्ति, लोभ लाभ ख्याति पूजा लाभ इनसे परे है तो क्या करें। जब उनसे पूछा कि क्या करोगे जब तुम कोई नहीं जानता है, तो क्या करना है,
अरे कुछ नहीं, अपन को जानना भी नहीं है, बस एक घंटे को भी हमें जान ले और हम उनको जान ले, बस एक घंटे के बाद हमारा और तुम्हारा का काम, क्योंकि तुम्हारा दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है हमारा मार्ग, बस एक घंटे की बात है। हो सकता है किसी को 1.5 घंटा लगता होगा, कोई को 2 घंटा लगते होंगे, इससे ज्यादा और कोई काम की जरूरत नहीं है, बाकी सब बस वही कार्य करना है। जिनके अंदर ऐसी भावना और वितरागता के प्रति आस्था और भक्ति है, वही सच्चा मुनि बन सकता है।